आज हम बनाएंगे आम का खट्टा मीठा चटपटा मसालेदार गुड़ वाला अचार। ये अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस अचार को आप पूरी, पराठे, रोटी, चावल, ब्रेड किसी के साथ भी खा सकते हैं और इस अचार को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10 से 15 मिनट में ही अचार बनकर तैयार हो जाएगा। इस अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं और इस अचार को हम बिना धूप के ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये अचार लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं आम का खट्टा मीठा चटपटा मसालेदार गुड़ वाला अचार। अचार बनाने के लिए हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया। आम को अच्छे से धोना है और साफ कपड़े से भी इनका पानी अच्छे से पोंछ लिया। अचार के लिए आम खरीदते टाइम ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि एक तो आम कच्चे और ताज़ा होने चाहिए और आम की गुठली छोटी होनी चाहिए, यानी कि आम में पल्प ज़्यादा होना चाहिए और गुठली छोटी होनी चाहिए। अचार के लिए आम खरीदते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार बहुत टेस्टी बनेगा। इस आम को हमने पहले से ही छील लिया, अब इन आमों को भी छील लेंगे। इन छिलकों को अब साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमने सारे आम अच्छे से छील लिए, अब इनका पल्प काट लेंगे। इस गुठली में अभी पल्प है तो इसको फेंकेंगे नहीं, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। और इनको अब काट लेंगे, इनके ज़्यादा छोटे पीस नहीं काटेंगे, मीडियम ही रखेंगे। ऐसे ही हम सारे आम काट लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये आम का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हमने सारे आम काट लिए। इनकी गुठली निकालने के बाद इनका वज़न 750 ग्राम के करीब है, क्योंकि इनमें 250 ग्राम के करीब तो गुठली ही निकल गई। आम का खट्टा मीठा अचार डालते टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि आम को छीलने के बाद इसका वज़न कितना है, क्योंकि आम के वज़न के हिसाब से ही अचार में मीठा डालना पड़ता है। और अब अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे 4 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच डालेंगे पीली सरसों। आपके पास यदि अभी घर में पीली सरसों नहीं है तो 2 चम्मच काली सरसों भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया, 15 से 20 डालेंगे काली मिर्च और 10 से 12 डालेंगे लौंग। अब इनको हल्का सा भून लेंगे। आप इस अचार में मसाले को बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन मसालों को हल्का सा भूनकर अचार में डालेंगे तो अचार में भुने हुए मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मसालों को हल्का सा भूनने से मसालों की नमी भी ख़त्म हो जाएगी। 1.5 से 2 मिनट में मसाले थोड़े भुन गए, अब गैस को बंद कर देंगे और अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। और अब पैन में डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ही कलौंजी। अब इनको भी हल्का सा भून लेंगे। हमने गैस को जला नहीं रखा है क्योंकि ये पैन काफ़ी गर्म है, तो मेथी और कलौंजी इसमें आराम से भून जाएगी। थोड़ी देर में ही मेथी और कलौंजी भी हल्की सी भून गई, तो अब इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इनको भी ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। और ये मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया तो आप इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मसाले को हमने दरदरा पीसा है। इस अचार में मसाले को दरदरा पीस कर ही डालना है। और अब कढ़ाई में डालेंगे 1 कप रिफाइंड तेल, ये वजन में 150 ग्राम है। आप इस अचार में कोई सा भी तेल डाल सकते हैं जो आप घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को हल्का सा पका लेंगे। जब हल्दी अच्छे से पक जाएगी तो आप इसमें डाल देंगे ये आम जो हमने अभी काट कर रखे हैं। आप इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और इनको बिना ढके ही पकाएंगे, क्योंकि यदि इनको ढककर पकाएंगे तो इनमें भाप बनेगी और वो भाप तेल में चली जाएगी, और यदि अचार में मॉइस्चर रहेगा तो अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। इसको लगातार चम्मच से चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बीच बीच में चम्मच से चला सकते हैं।
तीन से चार मिनट हो गए इनको पकते हुए। मैं आपको आम को काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए आम 60-70% तक पक गए। आप इनको और नहीं पकाएंगे। अब इनको यदि पकाएंगे तो सारे आम के पीस अचार की चाशनी में मिक्स हो जाएंगे। तो आप गैस को बंद कर देंगे और आप इसमें डालेंगे आधा किलो गुड़, यानी कि 500 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया। आप इसको आम में अच्छे से मिला देंगे। हमने गैस को बंद कर रखा है, बिना गैस जलाए ही गुड़ को आम में मिक्स करेंगे। आम की गुठली निकालने के बाद आम का वजन 750 ग्राम के करीब था, तो इसलिए हमने इसमें गुड़ 500 ग्राम डाला है। आप यदि अचार में गुड़ नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 500 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। सारा गुड़ अच्छे से पिघल गया। आप इसमें डाल देंगे ये मसाला जो हमने दरदरा पीस कर रखा है, और साथ में डाल देंगे ये मेथी और कलौंजी। मेथी और कलौंजी को हमने पीस कर नहीं डाला, इनको साबुत ही डालेंगे। और एक चम्मच डालेंगे नॉर्मल नमक, 2 चम्मच डालेंगे काला नमक। आप यदि काला नमक नहीं डालना चाहते तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप यदि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। ये मिर्च तीखी नहीं होती, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हींग, थोड़ी सी हींग डालने से भी अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आप गैस को जला देंगे और आप गुड़ को थोड़ा पका लेंगे। गुड़ को थोड़ा पका लेंगे तो अचार लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन गुड़ को ज़्यादा भी नहीं पकाना है। 2.5 से 3 मिनट के करीब ही गुड़ को पकाना है। 2.5 से 3 मिनट के करीब हो गए इसको पकाते हुए। आप इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ पकने के बाद शहद की तरह चिपचिपा हो जाएगा, तभी तक इसको पकाएंगे। क्योंकि यदि आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये अचार ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और मैं आपको आम को काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए आम बिल्कुल सॉफ्ट है, गुड़ में पकाने के बाद भी ये हार्ड नहीं हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप गैस को बंद कर देंगे और आप इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा सिरका अचार में डाल देंगे तो अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और अचार भी लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सिरका प्रिजर्वेटिव होता है। सिरका भी अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इस अचार को कांच के डब्बे में डाल कर रखूँगी। ये अचार जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी डब्बे में डाल कर रखना है। इस अचार को मैं धूप में भी नहीं रखूँगी, और आप इस अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। ये तैयार है। ये देखिए अचार इस तरीके से तेल में डूबा रहेगा तो अचार 1 साल या 2 साल तो क्या कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके से आम का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार बनाएंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी साफ़ सफाई और बहुत अच्छे तरीके से अचार बनाते हैं लेकिन आपका अचार फिर भी ख़राब हो जाता है, तो आप अचार में मसाले के साथ 1/2 चम्मच सोडियम बेंजोइट डाल सकते हैं। इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव है। आपको ये आम का खट्टा मीठा चटपटा मसालेदार गुड़ वाला अचार बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।